नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। अभी आज हम लोग जानेंगे लीक टेस्ट के बारे में। इसका लीक टेस्ट कैसे करते हैं, एसी, फ्रिज, डीप फ्रीजर, उसका जो भी सिस्टम है उसको जब इसका फ्लशिंग करने के बाद, इसके अंदर से कचरा साफ करने के बाद, इसको इसका जो ज्वाइंट होता है, जहाँ जहाँ मतलब जैसे ज्वाइंट किया जाता है, बाद में जब इसका फ्लशिंग करते हैं तो इसको ट्यूब को कटिंग करना पड़ता है, डिस्कनेक्ट करना पड़ता है, उसके बाद फ्लशिंग होता है। तो कई जगह से, दो जगह से ट्यूब को काटने के बाद और इसका फ्लशिंग करने के बाद जब इसको फिर दोबारा ज्वाइंट करते हैं तो वो ज्वाइंट सही है, वहाँ से लीकेज तो नहीं है। उसको टेस्ट करने के लिए, उसको चेक करने के लिए प्रेशर चढ़ाते हैं, प्रेशर चढ़ा करके और इसमें प्रेशर चढ़ा करके और तब इसको लीक टेस्ट करते हैं। सोप सॉल्यूशन से शैम्पू या साबुन के झाग बनाते हैं और उसके ऊपर डालते हैं, प्रेशर चढ़ा करके इसके ऊपर डालते हैं। अगर जहाँ से लीक होगा वहाँ से बुलबुला आएगा तो उससे मालूम हो जाएगा कि यहाँ पे लीक है। तो उसके बाद क्या करते हैं, प्रेशर को फिर रिलीज करके और फिर दोबारा वेल्डिंग से हीट करके उसको वेल्डिंग करते हैं। इस तरह से उसको लीक टेस्ट करते हैं, उसका प्रेशर चढ़ा करके लीक टेस्ट किया जाता है। अगर लीकेज होगा और उसमें प्रेशर और उसमें अगर लीकेज हो और उसके अंदर अगर गैस चार्ज कर दिया जाए तो क्या होगा कि जो भी रेफ्रिजरेंट गैस है वो बाहर निकल जाएगा, कुछ दिन के बाद धीरे धीरे करके बाहर निकल जाएगा, लीकेज हो जाएगा और बाहर निकल जाने के बाद जो ये सिस्टम है वो अच्छा से वर्क नहीं कर पाएगा। उसके लिए ये 5 प्रक्रिया अपनाया जाता है। फ्लशिंग करते हैं, उसके बाद इसका लीक टेस्ट करते हैं, फिर वैक्यूम करते हैं, फिर चार्जिंग करते हैं और मतलब इसमें गैस चार्ज करते हैं, उसके बाद में गैस चार्ज करने के बाद इसको पिंच किया जाता है। ये 5 प्रक्रिया अपनाने के बाद में ये पूरा वर्क कंप्लीट हो जाता है। तो जब भी एसी में या डीप फ्रीजर या फ्रीजर में जब गैस चार्ज करना होता है, गैस डालना होता है, तो उस समय ये 5 प्रक्रिया अपनाया जाता है, क्योंकि उसका फ्लशिंग भी किया जाता है। क्योंकि अगर किसी कारण से इसके अंदर थोड़ा सा कचरा होगा और फ्लशिंग नहीं करेंगे और उसमें गैस चार्ज कर देंगे तो क्या होगा, ये बाद में चौक हो सकता है। इसलिए पहले जब भी गैस चार्ज करना होता है उसमें फ्लशिंग, उसका लीक टेस्ट और वैक्यूम, ये सब करने के बाद ही ऐसा किया जाता है। तो अभी हम लोग समझेंगे लीक टेस्ट कैसे करते हैं और इसमें प्रेशर कैसे चढ़ाते हैं। प्रेशर चढ़ाने के लिए कुछ टूल्स का ज़रूरत पड़ता है, जैसे चार्जिंग लाइन का ज़रूरत पड़ता है, चार्जिंग लाइन को आज एक सर्विस वाल्व चाहिए होता है, चार्जिंग लाइन एक और ये रबर का चार्जिंग लाइन होता है, ये रबर का दोनों पाइप होता है, और उसके बाद एक वर्कशॉप कंप्रेसर का ज़रूरत पड़ता है। वर्कशॉप कंप्रेसर लाते हैं, ये एक कंप्रेसर होता है, एसी फ्रिज या डिफ्रीजर से निकाला हुआ ही कंप्रेसर होता है जो मैकेनिक के पास होता है। वो जब भी इसमें वर्क करने के लिए जाता है, फ्रिज में गैस भरने के लिए जाता है, तो उस समय ये एक वर्कशॉप कंप्रेसर अपने पास लेकर जाता है, अपने साथ लेकर जाता है। तो ये वर्कशॉप कंप्रेसर है, ये वर्कशॉप कंप्रेसर चाहिए होता है, वो गेज चाहिए होता है, ये घड़ी है, इसे प्रेशर चढ़ाने के बाद मालूम होता है ये कितना केजी इसमें प्रेशर चढ़ा रहे हैं। तो ये गेज है, उसके बाद में ये वाल्व है और चार्जिंग पाइप है, ये सर्विस वाल्व है। इसको अब कनेक्ट करते हैं, ये जो चार्जिंग लाइन है, जो कंप्रेसर का जो ये जो फ्रीजर का जो चार्जिंग लाइन है, जो कंप्रेसर है, कंप्रेसर में 3 लाइन होता है, चार्जिंग लाइन, डिस्चार्जिंग लाइन और सक्शन लाइन। सक्शन, डिस्चार्जिंग और चार्जिंग, ये 3 लाइन होता है। और कंप्रेसर जब ऑन होता है तो ये सक्शन लाइन से गैस को खींचता है और डिस्चार्जिंग लाइन से आगे भेजता है, और ये कंडेंसर से होते हुए, फिल्टर से होते हुए, कैपिलरी ट्यूब के द्वारा और फिर दोबारा ये सक्शन लाइन से होते हुए, इस तरह ये सर्किल काम करता है। तो अभी जब हम लोग गैस चार्ज करने जाएं, ये हम लोग इसका जब लीक टेस्ट करना होगा तो इस पर प्रेशर चढ़ाना होगा। प्रेशर चढ़ाने के लिए एक सर्विस वाल्व लगाते हैं और उसको सक्शन लाइन, ये उसको चार्जिंग लाइन से कनेक्ट कर देते हैं। चार्जिंग लाइन से कनेक्ट करने के बाद दूसरा जो वाल्व का जो पॉइंट है उसको एक चार्जिंग पाइप के थ्रू से, और ये गेज लगा हुआ है, गेज के दूसरे हिस्से में इसको कनेक्ट करते हैं, और उसके बाद इसको ये जो गेज का दूसरा हिस्सा है उसको डिस्चार्जिंग लाइन में, कंप्रेसर वर्कशॉप कंप्रेसर के डिस्चार्जिंग लाइन में उसको कनेक्ट करते हैं। और वर्कशॉप कंप्रेसर को ये सब कनेक्ट करने के बाद वाल्व को यहाँ से ऑन कर देंगे, इस वाल्व को ऑन कर देंगे, और ये वर्कशॉप ये जो जो फ्रिज का जो कंप्रेसर है, जो मेन कंप्रेसर है, उसको बंद करके रखेंगे, ऑफ करके रखेंगे और वर्कशॉप कंप्रेसर को ऑन करेंगे। वर्कशॉप कंप्रेसर को ऑन करने पर ये क्या है,
सक्शन लाइन से एयर को खींचेगा और डिस्चार्जिंग लाइन से एयर देगा, और एयर यहाँ से जाते हुए और ये चार्जिंग लाइन से हो करके और ये पूरे सिस्टम में प्रेशर भर जाएगा। प्रेशर भर जाने के जब भरेगा उसके बाद यहाँ गेज में देखते हैं 250 से 300 के लगभग इसके दिखलाएगा प्रेशर। तो उसके बाद ये यहाँ से वाल्व को बंद कर देते हैं। वाल्व को बंद करने से क्या है, ये पाइप का कनेक्शन हट जाता है, मतलब कनेक्शन कट जाता है और ये जो गेज है ये दिखला ये जो सिस्टम में जो प्रेशर है वो प्रेशर दिखलाते रहता है गेज में। अब इसको ये जो प्रेशर है, ये जो कंप्रेसर है वर्कशॉप कंप्रेसर, इसको ऑफ कर देते हैं। उसके बाद थोड़ा देर वेट करते हैं 10 से 15 मिनट या 20 मिनट। ये जो जितना पर घड़ी का जो काटा है, मतलब अगर 250 पर है तो 250 पर ही रुका हुआ रहता है। थोड़ा देर वेट करके देखते हैं, अगर वो कांटा अगर 250 से 200 150 इस तरह मतलब डाउन नहीं होता है तो इसमें लीकेज नहीं होता है। अगर लीकेज होगा तो ये क्या होगा, ये कांटा धीरे धीरे डाउन होगा। 200 अगर 250 है तो 200 150 100 इस तरह कम होने लगेगा। तो उस स्थिति में ये सिस्टम में कहीं ना कहीं लीकेज होगा। तो ये जब प्रेशर चढ़ाने के बाद लीक टेस्ट करने के लिए क्या करते हैं, सोप सॉल्यूशन मतलब साबुन या शैम्पू का झाग बनाते हैं और जहाँ जहाँ ज्वाइंट है, पहले जो हम लोग जब ये फ्लशिंग किए थे तो यहाँ से टिप को कटिंग किया हुआ था और यहाँ से टिप को कटिंग किया हुआ था, तो यहाँ से तो और यहाँ यहाँ चेक करते हैं, मतलब ऐसे जहाँ जहाँ ज्वाइंट है, जैसे कंडेंसर का आउटपुट है, फिल्टर है, कैपिलरी ट्यूब का इनपुट आउटपुट है, कंडेंसर का इनपुट आउटपुट है, ये इवेपोरेटर का इनपुट आउटपुट है, यहाँ पे ज्वाइंट होगा और ये सक्शन लाइन है, चार्जिंग लाइन है, ये सभी जितना ज्वाइंट है सब पर सोप सॉल्यूशन डाल करके चेक करते हैं। अगर जहाँ भी लीकेज होगा वहाँ से झाग, जब इस पर सब सॉल्यूशन डालेंगे तो वहाँ से झाग बुलबुला जैसा निकलेगा, तो उससे मालूम होगा कि ये यहाँ से लीकेज है। अगर मालूम हुआ कि इसके अंदर लीकेज है तो क्या करेंगे, सबसे पहले इसका जो गैस भरा हुआ है यहाँ से वाल्व को खोलेंगे, गैस पूरा रिलीज हो जाएगा, एयर पूरा रिलीज हो जाएगा। तो उसके बाद इसको जहाँ से लीकेज हुआ रहेगा वहाँ पर क्या करेंगे, वेल्डिंग से उसको वेल्डिंग करके कंप्लीट करेंगे और फिर दोबारा गैस चढ़ाएंगे, फिर दोबारा उसको प्रेशर चढ़ाएंगे और फिर सेम प्रक्रिया अपनाएंगे और उसके बाद फिर दोबारा ये सोप सॉल्यूशन डाल करके चेक करेंगे। अगर लीकेज बंद हो गया है तो इस तरह हमारा जो लीक टेस्ट है, प्रेशर चढ़ाना है, वो कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद का जो प्रक्रिया है वो वैक्यूम होता है, वो हम किसी दूसरे अगले वीडियो में जानेंगे। तो थैंक यू फॉर, आई होप कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।